अगर हम चैप्टर टू की बात करें तो ये है पार्टिकल डायनामिक्स, ठीक है। ये चैप्टर टू है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स पहले डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये देखें, यहाँ पे है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये जो सीडो फोर्सेज होती हैं ये देखें कितनी दफ़ा ये पेपर में रिपीट हो चुके हैं, तो ये आपने ध्यान से कर लेना पेज नंबर 63 के ऊपर। इसके अलावा आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम वाला भी जिसी में पंजाब में सरगोधा में बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये आप करने कर लेना है कॉनिकल पेंडुलम। इसके अलावा जो रोटर वाला सवाल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखें कितनी दफ़ा ये आ चुका है पंजाब में, कुछ 5-6 दफ़ा आ चुका है, और जिसी में भी सरगोधा में भी आ चुका है, तो ये भी आपने कर लेना है। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन इतना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर। अगर हम जो है वो न्यूमेरिकल्स की बात करें, हाँ अगर आप ये प्रोजेक्टाइल वाला करना चाहें तो प्रोजेक्टाइल वाला कर सकते हैं, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज और जो है वो मैक्सिमम हाइट ये कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 85 के ऊपर ये आप करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे, इसके अलावा जो है प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे, 13 करेंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है 18। 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरगोधा में आ चुकी है ये। बस ये जो है प्रॉब्लम्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमने डिस्कस किया मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 पार्टिकल डायनामिक्स।